हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बालाकोट, क्या इन पायलटों ने किया था पाकिस्तान पर हमला? फैक्ट चेक। फेसबुक से लेकर दूसरे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भारतीय वायुसेना पायलटों की तस्वीर शेयर की जा रही है। इन तस्वीरों के साथ ये दावा किया जा रहा है कि भारतीय एयरफोर्स के इन पायलटों ने ही मंगलवार को सीमा के भीतर जाकर हमला किया था। व्हाट्सएप से लेकर सोशल मीडिया ग्रुप्स पर इन तस्वीरों को हजारों बार देखा और शेयर किया जा चुका है। वहीं बुधवार को पाकिस्तान ने कहा है कि उसने मंगलवार को हुई भारतीय सेना की कार्रवाई के बदले में भारतीय वायुसेना के दो जेट विमानों को मार गिराया है। पाक सेना के प्रवक्ता ने इस बात पर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि हमने एक विमान पाकिस्तानी क्षेत्र में गिरा था और उसके पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। इसके कुछ घंटों बाद भारत ने भी इस बात की पुष्टि की कि उनकी वायुसेना का एक पायलट लापता यानी मिसिंग इन एक्शन है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने का सिलसिला बीते 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले से शुरू हुआ। इन दावों के बीच कई भारतीय सोशल मीडिया पन्ने भारतीय फाइटर पायलटों की तस्वीरें इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि हमने पाया कि पाकिस्तान में हुए कथित हवाली हमले का इन तस्वीरों से कोई संबंध नहीं है। सोशल मीडिया पर जारी इस पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि तस्वीर में दिख रही महिला पाकिस्तान में घुसकर हमला करने वाले पायलटों के दल की इकलौती महिला पायलट है। इस सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक इस महिला का नाम अनीता शर्मा है। तस्वीर के साथ लिखा है, पाकिस्तान में घुसकर 300 आतंकवादियों को मारने वाली एकमात्र महिला एयरफोर्स सैनिक इस भारतीय शेरनी को बधाई जरूर दे। थल सेना और वायुसेना ने अब तक इस अभियान पर कोई टिप्पणी नहीं की है और ये संस्थाएं समानतः इस तरह के खुफिया अभियानों में हिस्सा लेने वाले अधिकारियों के नाम सार्वजनिक नहीं करते। हालांकि असल में ये तस्वीर अवनी चतुर्वेदी की है, जो भारतीय वायुसेना का फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अवनी चतुर्वेदी अकेले लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट हैं। फाइटर पायलट होने का मतलब है कि अब युद्ध जैसी स्थिति में अवनी सुगोई जैसे विमान भी उड़ा सकती है। सोशल मीडिया पर स्क्वाड्रन लीडर स्नेहा शेखावत की तस्वीर भी ऐसे ही दावों के साथ शेयर किए जा रही है। शेखावत ने साल 2012 में गणतंत्र दिवस के मौके पर वायुसेना के दस्ते का नेतृत्व किया था। इसके बाद 2015 में गणतंत्र दिवस पर भारतीय वायुसेना के महिला दस्ता का उन्होंने नेतृत्व किया था। वो पहली महिला फाइटर प्लेन है जिन्होंने पेडियर का नेतृत्व किया था, लेकिन ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर तमाम पोस्ट उन्हें उर्वशी जरीवाला बता रहे हैं और उन्हें सूरत बुलका भवन स्कूल की छात्रा बता रहे हैं। स्नेहा शेखावत ने साल 2007 में एनडीए प्रवेश परीक्षा के माध्यम से वायुसेना में प्रवेश किया था। इसके बाद उन्होंने हैदराबाद ट्रेनिंग सेंटर में सर्वश्रेष्ठ महिला पायलट का अवार्ड भी मिला। स्नेहा राजस्थान के शेखावती क्षेत्र से आती है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर साझा की जा रही है। इस तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है कि इन 12 वायुसेना पायलटों ने पुलवामा अटैक का बदला लिया। हालांकि रिवर्स इमेज सर्च से पता चलता है कि ये तस्वीरें साल 2012 की हैं और यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच हुई 10 दिन लंबी इंद्रधनुष युद्धाभ्यास की है। साल 2015 में भारतीय वायुसेना ने अपने सुगोई विमान इस युद्धाभ्यास के लिए भेजे थे। इन विमानों ने यूके के यूरोफाइटर टाइफून लड़ाकू विमानों के साथ युद्धाभ्यास किया। फैक्ट चेक की ये कहानियां भी पढ़े। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।